बच्चों अब हम देखने वाले हैं कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज को नहीं देखा था, उसी तरह से हम यहाँ भी कुछ लॉज को देखेंगे। तो पहला लॉ आता है हमारा, जो हमारी इंसिडेंट रे है। हमारी इंसिडेंट रे कौन सी होती है? ये वाली जो रे है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जहां पर आके ये रे इस इंटरफेस पे, जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक होती है, उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और उसी पर अगर हम एक इस तरह से वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो इसका मतलब है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो अंदर आई वो कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। और जो नॉर्मल है, ऑल लाइन द सेम प्लेन। और हमारा सेकेंड लॉ कहता है कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका मतलब है कि लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाती है तो उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्योंकि बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू लैम्डा। v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। न्यू यहाँ पे हमारी क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है। और लैम्डा क्या है? हमारी वेवलेंथ है। और v क्या है? हमारी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी चेंजेबल होती है क्योंकि जब कोई लाइट रे एक मीडियम, जैसे कि ये एयर है, अगर एयर से कहाँ आ रही है बच्चों? ये ग्लास में आ रही है। तो हमें अच्छे से पता है एयर में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर। जानते हैं कि यदि कोई रे इस समय ग्लास में आ गई तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से स्पीड यहाँ पे आकर कैसी हो गई? हमारी कम हो गई। स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वो चेंजेबल होती है। लैम्डा क्या है? हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ भी अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अलग अलग लाइट का कलर आएगा, अलग अलग लाइट की रे आएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो फिर चेंज होता क्या नहीं है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बच्चों जो होती है ना, वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस तो कभी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं। अब बच्चों जो हमारा रिफ्रैक्शन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि हमारा रेशो साइन ऑफ एंगल आई, मतलब कि ये हमारा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड साइन ऑफ एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को हम यहाँ पे क्या लेते हैं? म्यू। और म्यू हमारा क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स कि जब हम एंगल आई की वैल्यू रखेंगे, एंगल आई कहाँ फॉर्म होता है? हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसका हमें साइन लेना पड़ेगा। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हम साइन लेंगे तो उस कंडीशन में उन दोनों का रेशो जो आएगा वो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगा, वो जबकि कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है पर हमें एंगल्स मालूम है जबकि कोई लाइट रे ट्रेवल करके वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, तो आप उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का यूज करके इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। बच्चों इसी तरह से रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रैक्टिकल करके बहुत अच्छे से आपको ये समझाया है। और मैग्निफिकेशन को और साइन कन्वेंशन को भी हमने शॉर्ट्स में समझाया है जो कि मिरर और लेंसेस के लिए ऑलमोस्ट एक सा।